How are you feeling over there? Yeah, feeling good. Really enjoying the warmth. I went for a swim. My first swim in 2 months because I've come from Nepal, from the mountains. Okay. So I really... और ये एक ऐसा मंदिर है जिसके यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस। पत्थर के सामने इतना छोटा सा हूँ, ठीक है, मेरा टेंपल चेयर पर ऊपर तक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। फिर से आपका भाई सऊद फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता है। बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और ऐसे मैं बात कर रहा हूँ ना, ब्लॉगिंग बना रहा हूँ बहुत लंबे टाइम बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत मिस किया मैंने अपने ब्लॉग को, चाह के भी नहीं बना पा रहा था। और मैं हूँ अभी, जैसे आपको पता है कि मैं बहुत लॉन्ग टाइम से चेन्नई में हूँ और अभी भी मैं चेन्नई में हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है और लगे हैं खुद को ट्रेन करने में, खुद को इम्प्रूव करने में। बस इसी कारण और बिजी होने के कारण ब्लॉग नहीं बना पा रहा। चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन टाइमिंग शेड्यूल इतना ज़्यादा गड़बड़ है, इतना ज़्यादा मसरूफ हूँ, इतना बिजी हूँ कि बना नहीं पाता ब्लॉग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ न्यू ब्लॉग वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और मेरे बहुत सारे दोस्त भाई लोग बार बार मुझे बोल रहे थे, कॉल कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया भाई तुम ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहे, ये अच्छी चीज़ नहीं है, और चालू करो, स्टार्ट करो, हम लोग का सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम ट्राई करो। तो फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका भाई सब स्वागत करता है, नए जगह का एक्सपीरियंस कराते हैं और मैं खुद भी करता हूँ, देखता हूँ कैसा होता है। चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहे, मैं रेडी होता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस रेडी हो गया हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं और चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लंबा टाइम है बहुत। तो निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड, तो अभी मैं टीनगर से होता हुआ टीनगर बस स्टैंड जा रहा हूँ, और टीनगर बस स्टैंड जाने के बाद कुछ लोग मुझे मिलेंगे जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे उनके बारे में, और चलते हैं बस स्टैंड और वहाँ से फिर निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो आप लोग बस ऐसे ही वीडियो बने रहो। ओके चलिए एक और लोगों से आपको मिलाते हैं, जो कि अगर चेन्नई में हो और चेन्नई में मैं ब्लॉग बनाऊँ और ये मेरे साथ मिला हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो एक और लोगों से मैं आपको मिलाता हूँ, ये लोग। इसमें मिलाने का कोई बात नहीं है, कभी कभी तो मेरे व्यूवर्स मेरे जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो कभी कभी मतलब शौक हो जाते हैं कि सऊद का ब्लॉग है या इसका ब्लॉग है, क्योंकि मेरे मोस्टली ब्लॉग में ये रहती ही रहती है, क्योंकि एक वाइब मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं निगेटिव सोच या कुछ ऐसा सोचना नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोग एक साथ काम करते, एक साथ प्लेसमेंट हुआ, सब चीज़ अभी साथ साथ में चल रहा है, वाइब मिलता है अच्छा, तो इसलिए हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं। और घूमना या कहीं भी जाना होता है तो प्लान बनाते हैं, जिससे आपका वाइब मिलता है, थोड़ा मज़ा आता है कहीं भी घूमने में। काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए, और सबसे पहले यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया। बहुत बहुत शानदार खाना, यहाँ का ट्रेडिशनल खाना खाने को मिला बहुत टाइम बाद। तो अभी हम आ गए अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर है जो टेम्पल है महाबलीपुरम का टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए ये पैलेस बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। तो यहाँ से टेम्पो भी जाता है, लेकिन ऐसा हम लोग का प्लान है कि यहाँ से पैदल चलेंगे। और यहाँ जो आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है ऑसम, उस चीज़ को है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने वर्ड में। ये पीछे देख सकते हैं आर्किटेक्चर किस लेवल का लोग काम करते हैं, और ये जो टेम्पल भी है, ये जो टेम्पल इतना ज़्यादा फेमस है, लोग अपने मेहनत से छेनी हथौड़ी से बनाते हैं इस चीज़ को, इसमें लोगों की मेहनत होती है, जो कि सोच के ही दिमाग हिल जाता है कि क्या काम करते लोग।
थोड़ा वाइब बनाते हैं। मैंने एक कैप ले लिया, ठीक है, इसने एक कैप ले लिया, बोल लिए कि मैं काली हो जाऊंगी धूप में तो कैप ले लेते। मैं बोला ठीक है, तो मैं भी सोचा कि मेरा मैं भी थोड़ा स्टाइल मार लो, इसी माने कैसा लग रहा हूँ बताओ भाई। हाँ मस्त लग रही है, चलो चलते हैं, थोड़ा वाइब बना रहे, वाइब तो बहुत बना लिया, बातें फीलिंग यार। Having a great time. Yeah. You are coming India lots of time, I think. Yeah, I'll be coming back for sure. Now I'm shooting vlog. That's why I try to talk to you. Oh, that's awesome. How are you feeling, Uda? Yeah, feeling good. Really enjoying the warmth. I went for a swim, my first swim in 2 months, because I've come from Nepal, from the mountains. Okay. So I really miss the ocean. So this was a spiritual experience. Okay. Mostly, what do you like in India? Like, you're coming especially for India for what? I stay with some family friends in Chennai. Okay. And I come to India to do a mountaineering course. Okay. In Darjeeling. Okay. In 1 month's time, but till then I just enjoy the culture, enjoy the food, the idli, the dosa. Okay. Okay. All the good things. Yeah. 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 This you are coming to India for first time, I think. First time. Yeah. Very good experience. Yeah, it's been great so far. Okay. Yeah, okay. It's a beautiful place. Yeah. It's just, yeah. Okay, thank you so much, sir. Pleasure, no worries. सोचा जब हम लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ तो बहुत माहौल बनाते हैं, यहाँ है तो थोड़ा हम लोग भी माहौल बना ले, टाइम ही टाइम है, थोड़ा बात करें उन लोगों से, एक्सपीरियंस ले, फीडबैक ले कैसा है। हम लोग तो बहुत तारीफ करते हैं कि ओ माय गॉड लंदन गए थे, यूके गए थे, ऐसा था वैसा था, उन लोगों से भी तो पूछे भाई मेरा इंडिया कैसा है। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपना चीज़ किसी को अच्छा नहीं लगता, दूसरे चीज़ों को लेके बैठे होते हैं लोग, तो वो लोग का देखो कहना है क्या है कि इडली डोसा, मैं तो वो लोग इडली डोसा यहाँ खाने आ रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है, और हम लोग इडली डोसा को वैल्यू नहीं दे रहे, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ नेहा फरमाओ, नेहा कुछ कहना चाह रही है, और दुलाल से भी कुछ कहेंगे, दुलाल से आई थिंक यहाँ सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहे हैं, मतलब इनको बोला जाए तो चचा है इस मामले में, इतना घूमे है ना, और पूरा ये देख रहे हो सिस्टम देख रहे हो, आगे समुद्र आ रही है, ओह माय गॉड, चलो समुद्र के पानी में ठंड हो जाते हैं। ओह काफी शानदार नजारा दिख रहा है, चलो और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ओके महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम में जो टेंपल है सबसे ज्यादा जो फेमस है, यहाँ टेंपल फेमस है, लेकिन इस जगह को चार चांद लगाने का जो काम करता है वो है यहाँ का ये बीच। ओके, ये मंदिर को जो शानदार बनाता है, और क्यों इतना फेमस है क्योंकि यहाँ पे बीच भी है, बीच के साथ साथ मंदिर भी है, इसलिए ये जगह और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है, इसलिए और ज्यादा मजा आता है इंजॉय करने के लिए, एक नंबर जगह है। ठीक है, आप आओ यहाँ चिल करो, ठीक है, बीच वाला मजा भी लो, जैसे सेपरेटली यहाँ मरीना बीच पे लोग जाते हैं तो सिर्फ बीच है, लेकिन यहाँ है कि आप मरीना बीच वाला भी फील ले सकते हैं, साथ साथ में आप इधर बलीपुरम के मंदिर में भी घूम सकते हैं। नहीं है तो अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप तो स्पेशल यहाँ आए, क्योंकि आपके लिए ये सब जगह बहुत बेस्ट है, टूरिस्ट पैलेस भी है। ओके, इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा इस जगह को और शानदार बनाता है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसके यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बस ऐतिहासिक जगह है ये, तो अभी मैं अभी चलूँगा वहाँ जाके अंदर के थोड़ा व्यू लूँगा और फिर आप लोगों से बात करूँगा। करते हैं तो 1 2 3 स्टार्ट। धीरे धीरे महाबलीपुरम का सबसे फेमस मंदिर, जिसकी वजह से ये महाबलीपुरम जाना जाता है, जो हजारों सालों से
जैसे पहले था वैसे अभी भी है, हजारों सालों से वैसे ही खड़ा है जैसे पहले खड़ा था। ये इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ये दक्षिण भारत के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में इनका भी, इस मंदिर का भी नाम आता है जिसका नाम महाबलीपुरम मंदिर जो है यहाँ। और ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत पुराना है, इसका बहुत डीप हिस्ट्री है और ये हजारों साल से ऐसे खड़ा है जैसे देख के लगता है कि ये मंदिर अभी अभी बनाया गया है। और इसके इसका आर्किटेक्चर देख के तो अलग अलग ही लेवल का फील आता है, मतलब ऑसम। इसका आर्किटेक्चर ये पहले के ज़माने में बनाया गया ये आर्किटेक्चर है जो कि नॉर्मली छेनी हथौड़े का के मदद से सब मेहनत करके ये लोगों के मेहनत का ये फल है। और चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं महाबलीपुरम के टेंपल में बैठा हूँ और यहाँ का जो टेक्सचर है, यहाँ का जो टेक्सचर ऑसम है भाई। और ये जो पत्थर है ना, ये पूरा होल जो पत्थर होता है, एक बड़ा सा पत्थर, इसको काट काट के बनाया गया है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पत्थर को काट के और बनाया गया, ये पूरे होल पत्थर को। और इसलिए ये पहले जैसा था, हजारों साल पहले जैसा था, अभी भी सेम टेक्सचर है। और अब मुझे लगता नहीं कि ये कभी बर्बाद होगा क्योंकि ये पूरा होल पत्थर को काट काट के बनाया गया, जो कि छेनी हथौड़ी से पहले के मजदूर जो बनाते थे वैसे टेक्सचर में बनाया गया, जो कि बड़ा मुश्किल है। अब के टाइम पे तो अभी कितने भी पैसे खर्च कर ले, लेकिन ऐसे टेम्पल बनाना बड़ा नामुमकिन जैसा चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर जो खेल खेला गया ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं वीडियो में पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रहा या नहीं, बहुत बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया है और जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतना दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऑसम भाई, ऑसम जो कलाकृति इसके अंदर दिखाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जान डाल दिया गया है। और पूरा होल पत्थर ऐसा पत्थर की देख के ही, मतलब पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर है और उसके ऊपर ये खेला गया है। ऑसम भाई, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा व्यू। और यहाँ पे तो सबसे अच्छा लग रहा है कि फॉरेनर लोग का भीड़ लगा है भाई। ऐसे अपने इंडिया में बहुत सारे पैलेसेस है, इतने सारे खर्च कर रहे हैं बहुत सारे न्यूनी जगहों पे, लेकिन जो यहाँ भीड़ लगा है फॉरेनर लोगों का, और यहाँ जैसे अर्न हो रहा है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है, जो कि आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ आ रहे हैं घूमने। और ऐसे हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे जगह है जहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं घूमना। ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है और धीरे धीरे माहौल पूरा जमता जा रहा है। और ज़्यादातर एक बात बता दूँ, ज़्यादातर जो यहाँ लोग हैं ये फॉरनर ही है, ओके, ज़्यादातर वही लोग पसंद करने वाले और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को और बहुत ही दिलो जान से वो लोग फ़ोटो ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का, और कोशिश करता हूँ इससे अच्छा और अच्छे से मैं दिखा सकूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहते। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up. थोड़ा पास में मेरा साइज देखे, मैं 5'6" का हूँ, ठीक है। मैं ये पत्थर के सामने इतना छोटा सा हूँ,
ठीक है, मेरा ट्रिपल चेयर पर ऊपर तक है और स्पेस देखिए कितना ज्यादा कम स्पेस है और अनबिलीवेबल। ऐसे लोग अगर यहाँ पे खड़े हो तो ऐसा लग रहा है मैं नीचे चला जाऊंगा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं नीचे चला जाऊंगा, पूरा ऐसे खड़ा है। और इस ये क्या क्या है, दिमाग को हिलाने वाला चीज है ये, कितना है वो नीचे देखिए कितना कम कम स्पेस में है, ऐसे डर भी लगता धक्का देने में, ऐसे लगता है कि मैं इसको धक्का दूंगा तो वो इधर ना चला जाए। और इधर से उसके नीचे आके बैठना बहुत ज्यादा डरावना है, ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर ना आ जाए मेरे, बहुत ज्यादा डेंजर है। मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ बैक वाले कैमरे से कितना ज्यादा डेंजर है। और ये यही चीज यहाँ की चीजों को स्पेशल बनाते हैं और यही चीज यहाँ लोग देखने बहुत ज्यादा आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैं अपना 100% देने का आज कोशिश किया, बहुत लंबे टाइम बाद फिर से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, तो हो सकता है थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो सकता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गया होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा ज्यादा वीडियो लाने का और इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से आप लोगों से न्यू ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे हो।